सभी काम चल जाएगा, लेकिन दर्शन का विज्ञान नहीं होगा तो एक विचित्र बात है, और दर्शन का भी बहुत विशेषज्ञ नहीं होगा तो एक बहुत स्वनाम धन्य पूरे विश्व में गणित के क्षेत्र में जिनको आदर प्राप्त है, भारत में तो मूर्धन्य गणितज्ञ माने जाते हैं, वयोवृद्ध भी हैं, जगन्नाथ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं पुरी में, और उधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं त्रिविक्रमपति शर्मा जी, उड़ीसा के ही हैं, अब वो प्रयाग में ही बस गए। उनको मैंने अंकपदियम सम्मति लिखने के लिए भिजवाया, उन्होंने 3 महीने तक उसका अनुशीलन किया, पूरे भारत से 8 गणितज्ञ आए, उनको भी दिखाया। उसके बाद राजीव जी ने फोन पे कहा कि विलम्ब हो गया, सम्मति दीजिए। उन्होंने कहा चमत्कार की चीज़ है, लेकिन मुझको 3 वर्ष तो और चाहिए अध्ययन के लिए, जब मैं पूरा समझूं तब तो सम्मति दूं, झूठ मूठ की सम्मति क्या दूं, है चमत्कार। हमने संकेत किया कि विश्व में जो गणितज्ञ के रूप में मूर्धन्य हैं, और आजकल के पीएचडी वाले नहीं, इधर से कोई सामग्री इधर से सामग्री चोरी करके, सचमुच में वो मेधावी हैं, प्रज्ञा संपन्न हैं, इस वयोवृद्ध होने पर भी वो मन ही मन गणित की पहेली सुलझाते रहते हैं, विश्व को कोई ना कोई और मार्ग देना चाहते हैं। जब उनके लिए भी मेरे गणित का विषय कुछ, एक बेताल जी नाम के हैं, सरनेम है, महाराष्ट्र की परंपरा के हैं, अंग्रेजी संस्कृत गणित तीनों के विद्वान हैं, और वैदिक मैथमेटिक्स पर उन्होंने आरएसएस की प्रेरणा से 2 भाग निकाला भी है शोध के रूप में, लेकिन उनके पास मैंने अपना स्वस्तिक गणित भिजवाया था, उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं इसका अनुवाद कर सकूँ। तो मैंने एक संकेत किया कि संस्कृत अंग्रेजी बढ़िया हिंदी हो तब तो कोई दर्शन शास्त्र का प्रकांड पंडित हो तब तो अनुवाद कर सकेगा, फिर वो जो अंग्रेजी में अनुवाद होगा या जो मेरा मूल हिंदी में ग्रंथ है उसको समझने के लिए भी तो मेधा चाहिए, समय चाहिए, संयम चाहिए, लेकिन कालांतर में यह सुगम हो सकता है। कोई भी वस्तु उपलब्धि पहले महंगी पड़ती है, कालांतर में वो धीरे धीरे 1000 व्यक्तियों का मस्तिष्क लगने पर सुगम भी बन जाती है। कंप्यूटर का सिद्धांत पहले कठिन था, धीरे धीरे उसमें विकास भी होता जा रहा है, तो ये प्रारंभिक चरण है, लेकिन अनुसंधान करने वाले इसको रोचक भी बना सकते हैं। गुरुदेव, मेरा अंतिम प्रश्न, वैदिक मैथ फोरम इंडिया जो कलकत्ता स्थित है उसको आप कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए। आप श्री गौरव खंडेलवाल जी हैं, टेकरीवाल जी, आप श्री गौरव टेकरीवाल जी हैं, आप जब से मिले हैं बड़े ही सौम्य मेधावी विनम्र दिखाई पड़ते हैं, और निष्कपट व्यापार की भावना से नहीं विज्ञान की भावना से आपने इस संस्था को चलाना प्रारंभ किया है, यह आपकी महत्ता है, मैं आपको बहुत आशीर्वाद देता हूँ और